नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। मैं हूं आपके साथ निशा यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बागपत उत्तर प्रदेश से, जहां पर नोडल अधिकारी ने की विकास निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक और संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। प्रबंधक निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ शासन द्वारा नामित जनपद नोडल अधिकारी श्री एम देवराज जी ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नोडल अधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारी से कहा कि शासन की जो कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजना है, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजना की पात्रता के आधार पर लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उसके विभाग से संबंधित योजना से कोई प्राप्त पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए। संबंधित विभाग अपनी ऐसी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार भी सोशल मीडिया आदि माध्यमों से अवश्य कराए। नोडल अधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में अवैध शराब बिक्री नहीं होनी चाहिए। टीम बनाकर बृहद अभियान चलाया जाए। जो व्यक्ति जहरीली शराब का विक्रय कर रहा है, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सर, किस चीज़ की कंप्लेंट? स्कूल अच्छा है, यहाँ पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों यहीं के परिसर में है ना, और यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम भी यहाँ बनी हुई है ना, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और इससे यहाँ के बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा ना। और यहाँ की नशा तो अच्छी लग रही है। इस सर कुछ कमी पाई जो आंगनबाड़ी में, कुछ शिक्षा मित्रों में? कुछ ऐसा कमी नहीं, मतलब तो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग भी देखा, यहाँ के जितने काम के कर्मचारी हैं जी, लोग लगता है कि अपना काम जो है जी मत उसे कर रहे हैं, है ना, उनको बड़ा और अच्छा काम करें ताकि और लोगों को फायदा मिले। नहीं, जैसा ये सर बिल की बिलिंग का जो है मोबाइल से बता सर, बिजली का बिल जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का बिल जमा करने में जो यहाँ के उपभोक्ताओं को समस्या ना हो, ताकि वहाँ के उनका अपना बाहर जाके रहने की समस्या ना हो, उसके देखते हुए हमने दो तीन व्यवस्था कर रखी है। ये तो गांव की स्वयं सहायता समूह महिला समूह हैं, उनको भी इसको अधिकृत किया हुआ है, और गांव की हैं जो आपके गले सस्ते गले दुकानदार हैं उनको भी अधिकृत किया गया है, और जो सहकारी समिति हैं किसान की जो टैक्स होते हैं उनको भी अधिकृत किया गया है। इस गाँव में SHG जो सब महिला स्वयं सहायता समूह हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और इनको अलग से देखिए, इसमें जो है ऐसे करने से सबको फायदा है, महिला समूह को फायदा ये होगा, उनको भी जो है कमीशन मिलती है इस काम के लिए, और गांव के उपभोक्ता को फायदा ये होगा, गांव में ही अपना जो है बिल जमा कर सकते हैं, हमारे निगम के फायदा होगा कि हमारे जो है बिल जमा हो जाती है, तो सभी तीनों लोगों के इससे फायदा होगा। ये बहुत ही अच्छी योजना है और उसकी जो है यहाँ की जो स्वयं सहायता समूह हैं उसके लाभ ले रही हैं, और हमारी उम्मीद है कि इसको प्रेरित होकर के जनपद की और भी तमाम गाँव में जो अभी और काम कर सकते हैं वो करेंगे, और बाकी जिले में इसका जो है अच्छा जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन